हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। इकोलॉजी लेक्चर सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स के बारे में। उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस और रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये दो रिलेटेड थिंग्स हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो, रेड क्वीन हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया है लेवान वैली नाम के साइंटिस्ट ने इन 1973। ये छोटे बच्चों की जो एक कहानी है, एलिस इन वंडरलैंड, तो उस कहानी से रिलेट करके ये हाइपोथेसिस बनाया गया है, इसलिए इसे रेड क्वीन हाइपोथेसिस के नाम से हम जानते हैं। उस कहानी में रेड क्वीन होती है जो एलिस को हमेशा भागने लगाती है, वो उसे हमेशा बताती है कि तुझे अपनी प्लेस बना के रखने के लिए भागना होगा, तो हमेशा उसे कुछ नए नए टारगेट्स दिया करती है। तो बस उसी तरीके से इन द नेचर दो स्पीशीज को हमेशा एक दूसरे के पीछे भागना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रे एंड प्रिडेटर का अगर ले ली, तो प्रे जो है वो प्रिडेटर से भागने के लिए कुछ नए नए आइडियाज़ ढूंढ लेगा, तो प्रिडेटर उससे भी आगे की आइडिया, उससे भी ज़्यादा स्पीड में भागने की प्रैक्टिस कर लेगा, जैसे कि वो प्रे को पकड़ सके, राइट? या फिर होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि होस्ट जो होगा वो नए लॉक लगा लेगा, इवॉल्व होते जाएगा। वैसे इमेजिन करो कि जैसे कि नए लॉक लगा लिए उसने, और जो पैरासाइट है उसे नई नई कीज ढूंढनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोनों स्पीशीज को इवॉल्व होना पड़ेगा साथ में, ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है? सो ये सब चीज़ें हैं जिसे हम इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज proposed as a red queen hypothesis, ठीक है? तो यहाँ पर वही example है, parasite host interaction। अब ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली evolutionary cycle है। यहाँ पर within a species भी हमें evolution दिखाई देता है, जैसे कि जिराफ का example लेते हैं, उसकी नेक ड्यूरिंग द इवोल्यूशन बड़ी होती दिखाई देती है। बिटवीन स्पीशीज की बात करो तो वापस से हम प्रे प्रिडेटर का एग्जांपल ले सकते हैं, होस्ट पैरासाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इन सभी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए देयर हैज़ टू बी कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन डेवलपिंग, कीप ऑन इवॉल्विंग, राइट? ये अडॉप्टिव प्रोग्रेस है एंड उससे रिलेटेड उन्हें सक्सेस मिलता है। अब दोनों भी स्पीशीज को जेनेटिकली इवॉल्व होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, नई आने वाली जनरेशन को कुछ एडवांस जेनेटिक मेकअप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू नए जेनेटिक चेंजेस लाए जा सकते हैं, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सकती है और इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, राइट? अब हम देखते हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जनरेशन टाइम छोटा होता है एंड देर इज अ लार्ज चांसेस ऑफ म्यूटेशन। जैसे कि हम कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने बहुत फेस किया हुआ है, हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आते थे, तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतने उसके म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसे बदलने में टाइम नहीं लगता है, एंड दैट इज़ व्हाट इवोल्यूशन, और उसने काफ़ी समय तक सर्वाइव कर लिया। सो दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, क्विकर जनरेशन टाइम तो इवॉल्व फास्ट एंड दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, दिस अकर्स इन स्पीशीज विथ लॉन्ग जनरेशन टाइम। अगर लंबे समय के बाद दिस
ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर नए अलील्स क्रिएट किए जा सकते हैं, नए म्यूटेशन की वजह से यूजफुल जीन्स यहाँ पर आ सकते हैं, वेरिएंट भी आ सकते हैं यूजिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इससे भी इवोल्यूशन में स्पीशीज को फायदा मिलता है। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस नेचर में हमेशा चलती है, और इसे कंपेयर किया था रेड क्वीन हाइपोथेसिस से, रेड क्वीन से, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। अगर इसके बारे में और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो थ्रू ईमेल या थ्रू कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।